आज हम इस वीडियो में त्रिभुजों के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल और भुजाओं के अनुपात में रिश्ता स्थापित करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो अब हम दो समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफल और भुजाओं के बीच में रिश्ते को पहचानेंगे। यहाँ पे डी समांतर है एसी के, इसीलिए त्रिभुज बी ए सी समरूप है त्रिभुज बी डी ई से। क्षेत्रफल और भुजाओं में रिश्ता इस प्रकार है कि त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल उन त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। अर्थात त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर है बी ए बटा बी डी के वर्ग के, जो कि बराबर है बी सी बटा बी ई के वर्ग के, जो कि बराबर है ए सी बटा डी ई के वर्ग के। आपने पिछली कक्षाओं में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे कि इस त्रिभुज में AB का वर्ग बराबर है AC और BC के वर्ग के योग के बराबर। हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे, पर इससे पहले एक प्रश्न। प्रश्न यह है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज BSC और त्रिभुज CHA समरूप है त्रिभुज ABC से। आपको यह बता रखा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और CH भुजा BA पे लंब है। हम इस प्रश्न को हल करने के लिए कोण D का मान बीटा मानेंगे और कोण A का मान अल्फा मानेंगे। क्योंकि एक त्रिभुज में सभी कोण का योग 180 डिग्री आता है, इसीलिए कोण अल्फा 90 माइनस बीटा के बराबर है और कोण BCH अल्फा के बराबर है और कोण ACH बीटा के बराबर है। अगर आप त्रिभुज ACH और त्रिभुज CBH में गौर करें तो आप पाएंगे कि कोण CBA बराबर है कोण ACH के, जो कि बीटा के बराबर है, और कोण CHB बराबर है कोण CHA के, जो कि 90 के बराबर है। तो AA कसौटी के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ACH समरूप है त्रिभुज CBH के। उसी प्रकार अगर आप त्रिभुज ACH और त्रिभुज ABC पे गौर करें तो आप पाएंगे कि कोण CBH बराबर है कोण CBA के, जो कि बीटा के बराबर है, और कोण BCH बराबर है कोण CAB के, जो कि अल्फा के बराबर है। तो AA कसौटी के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ACH समरूप है त्रिभुज ABC से। अतः हम ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ACH के, जो कि समरूप है त्रिभुज CBH के। अब हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। पिछले प्रश्न से हमें यह पता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACH समरूप है, तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी, अर्थात AC बटा BA बराबर है AH बटा AC के। इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं कि AC भुजा का वर्ग BA गुणा AH के बराबर है। उसी प्रकार त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCH समरूप है, तो उनकी भुजाएं भी समान अनुपात में होंगी, अर्थात BC बटा AB बराबर है BH बटा BC के। इस समीकरण को हमने ऐसे लिखा है, BC का वर्ग बराबर है AB गुणा BH के। अगर हम इन दो समीकरण को जोड़ दें तो हमें यह समीकरण प्राप्त होगा कि भुजा AC का वर्ग प्लस भुजा BC का वर्ग बराबर है AB गुणा AH प्लस BH के। क्योंकि AH प्लस BH AB के बराबर है, अगर हम AH प्लस BH के स्थान पे AB लिख दें तो हमें पाइथागोरस प्रमेय प्राप्त हो जाएगी। तो ये था पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धिकरण। हम एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न ये है कि अगर DA, EF और BC भुजा AC पर लंब है और DA की लंबाई 12 है और BC की लंबाई 6 है, तो आपको EF की लंबाई ज्ञात करनी है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम दो समरूप त्रिभुजों को पहचानेंगे और समरूप त्रिभुजों की विशेषताओं की मदद से हम EF की लंबाई निकाल सकते हैं। तो अगर आप EFC और DAC में गौर करें तो आप पाएंगे कि कोण EFC बराबर है कोण DCA के और EFC बराबर है कोण DAC के, जो कि 90 के बराबर है। तो AA कसौटी के अनुसार त्रिभुज EFC समरूप है त्रिभुज DAC के। क्योंकि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, इसीलिए EF बटा DA बराबर है CF बटा AC के। उसी प्रकार हम ये बात त्रिभुज EAF और त्रिभुज BCA के लिए भी बोल सकते हैं।
त्रिभुज EAF और त्रिभुज BCA में कोण EAF बराबर है कोण BAC के और कोण EFA बराबर है कोण BCA के। तो AA कसौटी के अनुसार त्रिभुज EFA समरूप है त्रिभुज BAC के, और क्योंकि समरूप त्रिभुजों में भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, अगर हम उपरोक्त समीकरण को जोड़ दें तो हमें यह समीकरण प्राप्त होगा। CF प्लस AF बटा AC जो कि 1 के बराबर है वो होगा EF बटा DA प्लस EF बटा BC। इस समीकरण को हल करके हमें EF का मान ज्ञात हो जाएगा जो कि है DA गुणा BC बटा DA प्लस BC, और इसका मान 4 आता है। हम एक प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न यह है कि आपको दो समरूप त्रिभुज त्रिभुज ABC और त्रिभुज KLM दे रखे हैं, और आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज KLM का क्षेत्रफल का अनुपात उनके मध्य का या कोण के समद्विभाजक या लंब की लंबाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। हम सबसे पहले यह कथन लंब के लिए सिद्ध करेंगे। अगर आप त्रिभुज ABD और त्रिभुज KLM पे विचार करें तो आप पाएंगे कि कोण B कोण L के बराबर है और कोण D कोण N के बराबर है। तो AA कसौटी के अनुसार त्रिभुज ABD और त्रिभुज KLN समरूप है, इसीलिए AB बटा KL बराबर है AD बटा KN के, क्योंकि AB बटा KL का वर्ग दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है जो कि AD बटा KN के वर्ग के बराबर है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि AD बटा KN का वर्ग दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर है। हम ये कथन कोण के समद्विभाजक के लिए कह सकते हैं। अब हम मध्यकों के लिए यह कथन को सिद्ध करेंगे। अगर आप त्रिभुज ABF और त्रिभुज KLP पे गौर करें तो आप पाएंगे कि कोण B बराबर कोण L है, और क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज KLM समरूप हैं, इसीलिए हम ये लिख सकते हैं कि AB बटा KL बराबर है BC बटा LM के, जो कि बराबर है BF बटा LP के। तो SAS कसौटी के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABF समरूप है त्रिभुज KLP के। तो AB बटा KL बराबर है AF बटा KP के, क्योंकि AB बटा KL का वर्ग दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है जो कि AF बटा KP के वर्ग के बराबर है। तो हमने ये कथन भी सिद्ध कर दिया है। इस वीडियो में हमने सीखा कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इस वीडियो में हमने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा और उसे सिद्ध किया, और इस वीडियो के साथ ही हमने अध्याय समरूप त्रिभुज को पूरा कर दिया है। धन्यवाद।